Good evening all. Today we are going to start with the exercise 1.1 of real numbers. And in this one, we are going to find the SCF of 135 and 225, 196 and 38,220, 867 and 255. We have to find the SCF by using Euclid's division algorithm. Okay. So already, we have seen yesterday how to solve it by Euclid's division algorithm. So let us continue. Now suppose first one we have as 135 and 225. Now in dono mein compare karna hai. Okay, 135 or 225 mein compare karna hai ki which number is greater. Okay, so 225 is greater than 135. 225 is greater than 135. तो यहाँ पर ये जो है वो हमारा A है और 135 जो है वो हमारा B है. ओके, अब इसे हम डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर वो वाले फॉर्म में लिखेंगे. ओके, सो 225 को जब मैं 135 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आएगा 135 वन ज़ा 135 एंड रिमाइंडर विल बी 90. अब इस 135 को मैं यहाँ पर लेता हूँ, सो इट विल बी 135 इज इक्वल्स टू 90 वन सा 90. नाउ द रिमाइंडर विल बी 45. रिमाइंडर 45 आया. अब मेरा जो यहाँ पर जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बनेगा, जो रिमाइंडर था वो मेरा फिर से डिवाइजर बनेगा. तो 90 इज इक्वल्स टू 45 वन सा एंड टू सा, सो मेरा रिमाइंडर 0 है. अब मेरे पास 45 और 2 है, इन दोनों में से मैं क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि 45 इज माई एस सी एफ. सो देयरफॉर एस सी एफ ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल्स टू 45. 45 इज द एस सी एफ. नाउ सेकेंड वन, 196 एंड 38,220. फिर से इन दोनों का कंपैरिजन करना है. पहले हम क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं. सो ऑलरेडी क्वेश्चन इज रिटन, तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं. तो 38,220 इज ग्रेटर, ये ग्रेटर नंबर है 196 से. ओके, नाउ यहाँ पर हम एक चीज देख सकते हैं कि 38,220 इज ग्रेटर, तो ऑब्वियसली वो हमारा डिविडेंड होगा, 196 हमारा डिवाइजर होगा. सो यहाँ पर 38,220 इज इक्वल्स टू 196. ओके, नाउ 196 हाउ मेनी इज अ 38,220, वो हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा. ओके, तो यहाँ पर 38,220 जो है वो 195 से आता है. 196 मल्टीप्लाई बाय 195 विल बी इक्वल टू 38,220. आप इसको कैलकुलेट करके क्रॉस चेक कर सकते हो. तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पर 0 आया. तो इन द फर्स्ट स्टेप ओनली वी हैव गॉट द आंसर कि 196 से जब इसको डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है. तो इसका मतलब ये है कि हाइएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर जो रहेगा वो 196 है. एस सी एफ जो रहेगा हमारा वो 196 है. नाउ द थर्ड वन, थर्ड वन वी हैव 867 एंड 255. ओके, 867 एंड 255, फिर से इन दोनों में कंपैरिजन करना है. तो कंपैरिजन करके हमें ये पता चल रहा है कि 867 इज ग्रेटर देन 255. 867 इज ग्रेटर देन 255. तो ऑब्वियसली जो हमारा 867 बनेगा, जो हमारा 867 होगा दैट विल बी द डिविडेंड. 867 इज इक्वल्स टू 255 थ्री जा. नाउ 255 थ्री जा हाउ मच, इट विल बी 765. ओके, और हमारे पास 867 है, यानी रिमाइंडर हमारा कितना आया, 102. 102 हमारा रिमाइंडर है. तो फिर से 255 को इधर लेना है. सो 255 इज इक्वल्स टू 102. अब 102 हाउ मेनी इज आर 255, टू जा. सो टू जा इट विल बी
204. Now, sorry, actually, यहाँ पर 2 जा लेकर 204 आ रहा है, 204 को हमें 255 में से माइनस करने पड़ेगा, तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो 51 होगा, ओके, रिमाइंडर विल बी 51. नाउ 102 को यहाँ पर लेते हैं, 102, यहाँ पर 51 ones are and 2s are, ओके, 51 ones are and 51 2s are, that is equals to 102, रिमाइंडर 0 आया, ओके, तो यहाँ पर हमें पता चला है कि 51 जो था वो लास्ट नंबर था जिससे डिवाइड करने के बाद हमें रिमाइंडर 0 मिला है, ओके, सो पहली केस में हमने क्रॉस चेक किया 135 और 225 में कि हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 45 था. क्यों? क्योंकि 45 से डिवाइड करने के बाद हमें रिमाइंडर 0 मिला था. दूसरी केस में, इन द सेकेंड केस, ओके, 38,220 एंड 196 दो नंबर थे, हमने दोनों का कंपेरिजन किया. जब कंपैरिजन करने के बाद हमने डिवीजन किया, जब हमने डिवीजन किया तो हमें पता चला कि पहली स्टेप में हमें आंसर मिल रहा है 196 मल्टीप्लाइड बाय 195 जो कि 38,220 आ रहा था. उसके बाद हमें रिमाइंडर 0 मिला, तो इसीलिए हमारा एससीएफ हुआ 196. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन था 867 एंड 255, फिर से इन दोनों का हमने डिवीजन किया. डिवीजन करने के बाद इन द फर्स्ट केस हमें रिमाइंडर 102 मिला, फिर इस 255 को हमने यहाँ पर एज अ डिविडेंड लिया, 102 हमारा डिवाइजर बन गया, फिर से इसने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमें जो रिमाइंडर मिला वो 51 मिला. देन 102 को 51 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करने के बाद हमें जो आंसर मिल रहा है वो 0 मिल रहा है एट द लास्ट. तो देयर फॉर एस सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर जो आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू 51, ये हमारा हाइएस्ट कॉमन फैक्टर. और यहाँ पर एस सी एफ क्या है हमारा 196, एंड इन द फर्स्ट केस हमारा जो है सीएफ है वो 45, ओके, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.1 का. नाउ लेट अस प्रोसीड विद द क्वेश्चन नंबर 2. हेलो मोटो, positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is sum integer. ये question काफी important है और बहुत सारे exams में पूछा जा चुका है और बच्चों को last तक इस question में बहुत बार confusion रहता है. तो actually ये total conceptual question है, आपको अच्छी तरह यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा तो भी ये सब कुछ आपको समझ में आएगा. यहाँ पर हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म Hello, 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. Show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. यहाँ पर सबसे पहले आपने क्वेश्चन समझ के लेना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, यानी उनका ये कहना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा वो इसी फॉर्म में होगा. कौन सा फॉर्म? 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5, ओके, इस फॉर्म में होगा, ओके. तो सबसे पहले हम यहां पर मानकर चलते हैं कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ओके,
यहाँ पर हमने कंसिडर किया है कि ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ओके, ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, और बी की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, बी हम 6 मानकर चलते हैं, ओके. अब मेरे पास ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है और बी इज इक्वल टू 6 है, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि जब हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा कल पढ़ा था तो वहां पर हमें पता चला था कि हमेशा रिमाइंडर की जो वैल्यू होती है वो बी से छोटी होती है, यानी बी इज अ डिवाइजर, बी से हमेशा छोटी होगी. तो बी की वैल्यू अगर 6 है तो हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 हो सकती है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर, रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 हो सकती है, या तो 1 हो सकती है, या तो 2 हो सकती है, या तो 3 हो सकती है, या तो 4 हो सकती है, या तो 5 हो सकती है. यानी हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ओके. सो रिमाइंडर इतने ही हो सकते हैं, 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता. 5 से अगर ज़्यादा हुआ तो वो डिवाइजर से भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि डिवाइजर हमारा क्या है, 6 है. तो यहाँ पर हमें यह बताना है कि कोई भी और पॉजिटिव इंटीजर जो है वो इसी फॉर्म में रहता है. कौन सा फॉर्म है, 6q+1 ये ऑड है, 6q+3 ये ऑड है, और 6q+5 ये ऑड है. ये हमें प्रूव करना है, ओके. अब हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू क्या है, 0 है, रिमाइंडर की वैल्यू 1 है, रिमाइंडर की वैल्यू 2 है, रिमाइंडर की वैल्यू 3 है, 4 है, 5 है. तो सबसे पहले मेरे पास 0 है, तो मैं यहाँ पर कंसिडर करके चलता हूँ. तो यहाँ पर सबसे पहले अब ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारा यूक्लिड्स डिविजन लेमा है, ये हमारा प्योर फॉर्म है. किसका, दिस इज द जनरलाइज फॉर्म ऑफ यूक्लिड्स डिविजन लेमा, जो कल के सेशन में हमने देखा था, ओके. सो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. तो यहां पर बी की वैल्यू क्या होगी हमारी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बी की वैल्यू 6 है हमारे पास, तो हमारे यहां पर आएगा 6, ओके. क्यू रिमाइंडर कितना है हमारा, रिमाइंडर वी हैव एज 0, तो इसे लिख सकते हैं हम 6q, ओके. देन सेकेंड क्या होगा, सेकेंड विल बी ए इज इक्वल्स टू 6q+1, देन A इज इक्वल्स टू 6q+2, देन A इज इक्वल्स टू 6q+3, देन A इज इक्वल्स टू 6q+4, देन A इज इक्वल्स टू 6q+5, ओके. तो हमारे पास A इज इक्वल्स टू 6q+0, दैट इज 6q, then 6q+1, then 6q+2, 6q+3, 6q+4 and 6q+5, ओके. तो इतने सारे आउटकम्स निकल कर आ रहे हैं. अब इसमें से हमें ऑड आइडेंटिफाई करने हैं. अब सबसे पहले देखो क्यू क्या है, क्यू इज एनी मल्टीपल. सो यहाँ पर जब रिमाइंडर 0 आ रहा है, ओके, तो हम ऐसा मानकर चलते हैं कि ये कोई ऐसा नंबर है कि जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो वैल्यू होगी वो इवन होगी, दिस विल बी इवन, क्योंकि आप देख सकते हो, सपोज मैं यहाँ पर क्यू को मानकर चलता हूँ एज 7, ओके, 6 7 सपोज मैं मानकर चलता हूँ एज 42 आ रहा है, तो 42 इज द मल्टीपल, तो रिमाइंडर यहाँ पर ऑब्वियसली 0 होगा, ओके. रिमाइंडर कितना हुआ, 0 हुआ, क्योंकि ये परफेक्टली डिविजिबल है, ओके. अब 6q+1, ओके, अब ये मेरा 6q जो है दैट इज अ इवन नंबर, 6q मेरा क्या है, इवन नंबर है, और किसी भी इवन नंबर में जब हम ऑड नंबर यानी प्लस वन, वन इज अ ऑड नंबर, जब मैं इवन नंबर में ऑड नंबर ऐड अप करता हूँ तो वो ऑड बन जाता है, तो ऑब्वियसली 6q+1 इज अ ऑड, ओके. अब 6q मेरा फिर से इवन नंबर है, उसमें मैं प्लस टू ऐड कर रहा हूँ, इवन नंबर में मैंने इवन नंबर ऐड अप करिए, तो ऑब्वियसली दिस विल बी अगेन इवन, ओके. अब 6q मेरा इवन नंबर है, उसमें मैंने ऑड नंबर ऐड किया है, तो ऑब्वियसली ये मेरा ऑड बनेगा,
नाउ सिक्स क्यू फिर से मेरा इवन नंबर है, उसमें मैंने ये फोर जो है वो भी इवन है, तो इवन में मैंने इवन ऐड किया है तो ऑब्वियसली ये मेरा इवन आएगा। और सिक्स क्यू प्लस फाइव, सिक्स क्यू जो है मेरा ऑड नंबर है, सॉरी इवन नंबर है, और उसमें मैंने फाइव जो ऑड नंबर है उसको ऐड किया है, तो इवन नंबर में जब हम ऑड नंबर ऐड अप करते हैं तो वो हमारा ऑड बनता है। ओके तो आप यहाँ पर क्रॉस चेक कर सकते हो, तो पहली वैल्यू सिक्स क्यू प्लस वन ये हमारी ऑड आ रही है, दिस इज द फर्स्ट वैल्यू सिक्स क्यू प्लस वन विच इज ऑड। द नेक्स्ट वैल्यू सिक्स क्यू प्लस थ्री, दिस इज ऑल्सो एन ऑड। देन सिक्स क्यू प्लस फाइव ये भी हमारी ऑड आ रही है, तो वी हैव प्रूव्ड हियर दैट सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस थ्री एंड सिक्स क्यू प्लस फाइव आर कैन बी रिटन एज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। ओके सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर टू। अब हम क्वेश्चन नंबर थ्री के साथ स्टार्ट करते हैं। एनी एन आर्मी कॉन्टीजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। अब यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर थ्री हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर थ्री। एन आर्मी कॉन्टीजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। ओके तो यहाँ पर 616 मेंबर्स हैं, टोटल मेंबर्स कितने हैं 616 मेंबर्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर थ्री है। क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, एन आर्मी कॉन्टीजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, 616 मेंबर्स है ओके, इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। ओके इतने सारे मेंबर्स को मार्च करना है बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। ओके द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, उनको सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च करना है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। अब सारा जो क्वेश्चन है वो लास्ट लाइन में समाया है, उन्होंने पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी ऑब्वियसली हमें यहाँ पर एस सी एफ फाइंड करना है। एस सी एफ किसका फाइंड करना है, 616 और 32 का। ओके दे आर सेइंग दैट आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड, दिस आर नंबर ऑफ मेंबर्स। Now we have to compare these two numbers, 660 and 32. Okay, इसे मैं यहाँ से हटा दूँ। Okay, purely हमें 616 और 32 इन दोनों का SCF find करना है। 616 is obviously greater than 32. Okay, 616 जो है वो 32 से greater है, obviously हमें इसका SCF find करना है। So 616 okay, and here 32. Okay, now 32 how many are? Okay, so 32 into 19 twos are, it will be 38. Then 3 carat, 19 threes are 57 plus 3. 57 plus 3, that is equals to 60. 608. ओके इनटू 19 ओके अब कितना आ रहा है 608, जब 608 को हम 616 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 8 रहेगा। ओके सो
32. Now this 8 will come here. 8 4s are 32. Remainder is 0. So यहाँ पर हमने देखा है कि at the last, okay, 32 19s जो आया हमारे पास, 92 का 38, that 3 carry, 93 का 57 का 60, इसको हमने यहाँ पर लिखा था 608, जब हमने subtract किया तो हमें पता चला 32, फिर यहाँ पर 8 into 4, that is equals to 0, remainder हमारा 0 आ रहा है, तो obviously हमारा जो final conclusion आएगा, दोनों का जो SCF आएगा, that is equals to 8, so 8 will be the final answer, okay, so ये हमारा question number 3 था, तो इसके साथ ही आज का session हम wrap up करते हैं, जो बाकी दो questions बचे हैं, वो हम अगले session में continue करेंगे, so hope that whatever I have taught, you might have understood, questions काफी important है, पहला topic जो है, वो दिखने में इजी है लेकिन अगर हमने अच्छी तरह उसकी प्रैक्टिस नहीं की तो क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट हो सकते हैं आपको सिर्फ कैलकुलेशंस पे ध्यान देना है और फोकस करना है सो थैंक यू वेरी मच स्टडी रेगुलरली एट होम एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज सो यू कैन आस्क मी थ्रू व्हाट्सएप ओके सो थैंक यू वेरी मच